डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तभी जी। अजमेर उत्तर से विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने राजस्थान सरकार पर फिर से हमला बोलते हुए 8 करोड़ जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आपसी कलह के चलते प्रदेश की जनता परेशान है और इसका ठीकरा सरकार भाजपा पर फोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक कलह के चलते यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आगामी दिनों में 3 सदस्य कमेटी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, मंत्रिमंडल के विस्तार और सरकार के मंत्रियों के बीच चल रही खींचतान विवाद को और बड़ा करेगी, जिसका नुकसान कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस विवाद के बाद मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव और बढ़ गया है और आगामी दिनों में यह कम नहीं होने वाला। ऐसे में सरकार अन्य मुद्दों को छोड़कर अपनी सरकार बचाने में लगी रहेगी और इसका नुकसान जनता को उठाना होगा। यह राजस्थान में कांग्रेस के परिवार की आपसी कलह थी, जिसके कारण से राजस्थान को 32 दिन तक यहाँ के 8 करोड़ की जनता को इसके परिणाम भुगतने पड़े। हमने तो उनको नहीं कहा था कि आप कहीं जाओ, इन्हीं से टूट के गए थे और इन्हीं के कहने से आ गए। तो ये मैं शुरू से कह रहे थे, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। इनके स्वयं में एक दूसरे के विधायकों पर अविश्वास था, इसलिए ये लोग विश्वास मत लाए। बहुमत में तो मैंने वहाँ पूछा था सदन में कि विश्वास में लाने की आवश्यकता क्या थी, लेकिन इनके मन में डर था, एक दूसरे के प्रति अविश्वास था। यहाँ तक होटलों में बंद होकर के और राजभवन पहुँचे, राजभवन से वापस होटलों पे पहुँचे, होटल में इनको विश्वास नहीं हुआ तो किलेबंदी कराने जैसलमेर ले गए और वहाँ से सीधा ये सदन तक लाए। तो इस प्रकार का अपने विश्वास जो इन्होंने नहीं किया है, ये अविश्वास का भाव लंबे समय तक यह इनके बीच में चल नहीं पाएगा। मुझे लगता है ये सरकार कोई पूरा कार्यकाल कर नहीं सकेगी, इसलिए इनकी कलह, अभी तो परीक्षा बाकी है। 3 लोगों की समिति कितना सचिन पायलट उनके समर्थकों को राहत देती है और उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार इत्यादि होगा तो इनके आपसे असंतोष निश्चित रूप से फूटेगा, क्योंकि एक बार जो रस्सी टूट चुकी है, गांठ आ गई है, शीशे में भी दरार आ चुकी है, इसलिए यह कोई लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। टेम्पररी हो सकता है कि आपस में इनका समझौता हो गया हो, लेकिन अल्टीमेटली इसका सारा परिणाम 8 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता देख रही है और इनको माफ नहीं करेगी। समय आने पर इसका उत्तर जनता पूरे ढंग से देगी। ये तो इसका उत्तर तो वही देंगे, लेकिन ये परिस्थितियां ज़रूर बनी हैं कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से इनको 6 साल तक इनके द्वारा मेहनत करने से जो सरकार में आई और आज उनको नकारा और निकम्मा शब्द सुनने को पड़े हैं, निश्चित आम जन के निश्चित मन को ये हाथ करने वाली है। और चूँकि पिछला इतिहास रहा है, जब जब भी अशोक गहलोत सरकार में रहे उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की दुर्गति हुई है, चाहे वो 93 का ले लो, चाहे उसके बाद 93 से 98 भैरव सिंह की सरकार थी, 98 में जब चुनाव हुए तो धराशायी हुए, फिर 98 से 2003 रहे, 3 में हम लोग आ गए, तो अशोक गहलोत दूसरे के कंधे पे पांव रख करके सरकार में तो आ गए, लेकिन इनके नेतृत्व में जब भी चुनाव हुए तब कांग्रेस धराशायी हुई है। इसलिए ये सपने तो भूल गए कि हमको दोबारा आएंगे, लेकिन ये कार्यकाल भी किस प्रकार से पूरा होगा यह निश्चित रूप से पर्दे में छिपा हुआ है। कब इसका उत्कीर्ण हो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जनता बुरी तरह इस कोरोना के चक्कर में भी पिछले 32 दिन से और यूँ कहें 1.5 साल तक जिस प्रकार का अराजकता का वातावरण है वह सबके सामने है। आज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, महिला उत्पीड़न हो रहा है, कोरोना में लोग मर रहे हैं, उनको अपने हाल पर इन्होंने छोड़ दिया है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, पानी के बिल चौगुने आने शुरू हो गए, तो इस प्रकार की स्थिति बनी है, निश्चित रूप से यह कष्टकारी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी जनता को राहत मिले, इसका प्रबंध किया जाए।